रॉबर्ट वड्रा का ये पूरा विवाद ऐसे समय पर सामने आया है जब कांग्रेस से उम्मीद कर रही थी कि फूड सिक्योरिटी बिल बस पास ही होने वाला है। हमारे साथ हैं मनीष तिवारी। मनीष जी, ये बताइए कि आपने सुना कि बीजेपी ताने दे रही है कि सोनिया गांधी पत्र लिख रही थी प्रधानमंत्री को दुर्गा मामले में, दुर्गा शक्ति के मामले में, अब क्या वो खेमका के लिए भी पत्र लिखेंगे? ऐसे ताने सुनकर कैसा लगता है? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि बहुत ही ओछी और बहुत ही गिरी हुई और घटिया सियासत कुछ राजनीतिक दल कर रहे हैं। जहाँ तक किसी व्यक्ति विशेष के मामले का सवाल है, उसमें साफ तौर पर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि उन्होंने गलत तरह से अपनी पावर का इस्तेमाल किया था। कुछ जांच प्रक्रियाएं चल रही हैं, उन जांच प्रक्रियाओं को एक निष्कर्ष पर पहुँचने देना चाहिए कि किस तरह से, किस संदर्भ में, किस परिपेक्ष में वो जो प्रशासनिक ताकतें हैं उनका इस्तेमाल और प्रयोग किया गया। क्योंकि कानून इस बात की बिल्कुल इजाज़त नहीं देता कि किसी व्यक्ति के खिलाफ आप या किसी संस्था के खिलाफ आप बगैर उसको सुने कोई भी ऑर्डर पारित कर दें या कोई भी फैसला सुना दें। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी इतनी ओछी और गिरी हुई राजनीति पर उतरेगी, हमें उस बात का उम्मीद नहीं थी। और खासकर ये उस समय हो रहा है जबकि खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम या विधेयक संसद के समक्ष है। ऐसा विधेयक जो 81 करोड़ लोगों को सीधे सीधे तौर के ऊपर फ़ायदा पहुंचाएगा, तो इसलिए ये बेहतर होगा कि भारतीय जनता पार्टी भी कुछ आत्मचिंतन करे। क्योंकि ऐसा क्रांतिकारी कदम जो 81 करोड़ भारतवासियों को सीधा सीधा फायदा पहुंचाने वाला है, उसको रोकने के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। आपका दामाद जी के बचाव में कई कांग्रेसी नेता उतर गए हैं मैदान में, जरा सुनिए क्या कहना है जगदम्बिका पाल साहब का। मैं समझता हूँ यशवंत सिन्हा जी ने जो पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर भारतीय जनता पार्टी निकली, मैं इसकी निंदा करता हूँ। और वो आज सोनिया जी के दामाद है, कोई राष्ट्रीय दामाद नहीं। और जिस विषय को उठा रहे हैं वो कोई किसी सरकार से संबंधित नहीं, राज्य का विषय है। अगर रॉबर्ट वाड्रा ने कोई जमीन हरियाणा में किसी प्राइवेट व्यक्ति से ली है, उसकी मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जांच हो गई कि क्या उस जमीन को उन लोगों ने अंडर वैल्यूड तो नहीं दिखाया, लाइसेंस फीस दिया कि नहीं दिया, रजिस्ट्रेशन फीस दिया कि नहीं दिया, और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 3 सचिव की क्लीन चिट दिया जा चुका है। क्लीन चिट देने की जल्दबाजी तमाम कांग्रेसियों में दिखती है जब भी जिक्र रॉबर्ट वाड्रा का आता है, गांधी परिवार का आता है। अगली सेनापति जो आपको दिखेंगी वो है रेणुका चौधरी, सुनिए उनका क्या कहना। ऐसा कोई क्या रिपोर्ट निकली है तो इसमें चर्चा करनी चाहिए, हाउस चलनी चाहिए। अगर हाउस ही नहीं चल रही है तो हम इसमें हम टेलीविजन पे क्यों बोले? हमें जो वही बताना है हम हाउस में बताएंगे ताकि देश गवाह है।